आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में बस देखते रहो और सीखते रहो जैसे हमने ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करी 90s 80s की ऑर्गेनाइज क्राइम डी शिवनंदन जैसे लोग आए हैं शो पर उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने क्लीन अप कैसे किया मुंबई में एंड पोस्ट व्हाई ना हां पोस्ट अह 2000 क्राइम बहुत कम हो चुका है ना रिमेंबर दिस इवन इन माय चाइल्डहुड कि एक स्विच हुआ था um पर मैं सोचता हूँ कि अगर ऑर्गेनाइज क्राइम इतनी बड़ी थी तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे उस वक्त ऑल ऑफ देम गो टू जेल. कुछ लोग अभी भी फ्री है uh, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे उनकी उनकी क्या है? उनका पर्सपेक्टिव क्या उनके क्रिमिनल पास्ट को लेकर और वो शायद मेरे पेरेंट्स के एज के होंगे रफली योर एज हाउ डू दे लुक बैक एट दैट फेस ऐसे काफी लोग हैं मैं भी काफ़ी लोगों को जानती हूँ मैं आपको एक बात बताऊँ ये बुरा लगता है कि ऐसे ब्रांडाइजेशन कर रहे हम पर ये एकदम सही है कि रियल एस्टेट में जितना क्राइम हुआ है ना इस देश में फोर्टी सेवन के बाद और ख़ास करके बॉम्बे में अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आने के बाद जो हुआ है उसने ही काफ़ी कुछ क्रिमिनल्स को पैदा किया क्योंकि ज़मीन कम है और प्रॉफ़िट ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा है एक बिल्डिंग लोअर परेल में आज बना हो पच्चीस फ्लोर से ज़्यादा वाली उसमें एक ही बिल्डिंग में तो आप तीन सौ करोड़ घर ले जा सकते हो तो तीन सौ करोड़ रुपया का प्रॉफिट बनाने के लिए जो ज़मीन उस पर जो लोग हैं उसको हटाने के आप क्राइम करो फिर बिल्डिंग बन जाए तब म्यूनसिपाल्टी में सब सर्टिफिकेट के लिए क्राइम करो तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट ने सबसे ज़्यादा समाज में कर, और पर्टिकुलरली बॉम्बे में क्राइम करवाया है रियल एस्टेट में मैं काफ और रियल एस्टेट एजेंट से लेके जो ज़मीन के सौदे करने वाले हैं ज़मीन में इन्वेस्ट करने वाले हैं ज़मीन का सबसे पूरे देश में ज़मीन का बहुत बड़ा फॉरवर्ड फॉरवर्ड ट्रेडिंग होता है सट्टा होता है hmm. जो म्यूनसिपाल्टी हर एक दे, अपने देश में हज़ारों म्यूनसिपल्टी कॉरपोरेशन जो है उसमें एक हर एक शहर का अपना अपना प्लानिंग बनता है वो उसको सब हत्या लेते हैं उसमें जान लेते हैं कि यहाँ से रास्ता बन रहा है यहाँ से ट्रेन आनी मेट्रो बन रही है और उस पर सब दादागिरी से वो जमीन को खरीदने के वो एरिया में वही स्टेशन के नज़दीक सब एडवांस में जमीन ले लेते हैं और फिर उसको सब गलत करने के लिए करप्शन होता है सबसे ज्यादा करप्शन जमीन का है जो महाभारत का कारण था महाभारत बनने का जमीन दुर्योधन ने कहा था ना दो एक सुई की सुई जितनी भी जमीन नहीं दूंगा तो जमीन ही है सब आज तर, भी आज भी वही है मुंबई में भी मुंबई में भी वही है पर करप्शन पहले एक्चुअल ब्लड क्राइम होता था आजकल पैसा है हम्म hmm, मतलब जैसे लोअर परेल में इतनी सारी टेक्सटाइल मिल की जमीनें निकल गई किसने तो पैसा खाया ना क्यों आप ही सोचो एक जमीन है और सरकार को पता है कि जैसे ही वो साइन करेंगे वो बिल्डर को 500 करोड़ बन मिलना है धंधा करेगा 500 करोड़ का वो आप सोचते पाँच रुपया भी लिए बिना वो साइन करेगा hmm. ऐसा तो हमें आता नहीं है समझना hmm. इतनी नीति देखी नहीं है आप समझ रहे हैं हर एक चीज मैं आपको कह रही हूँ ये मेरा घर है मेरी माँ का था मुझे मिल रहा है पाँच करोड़ का घर है वो जिसको मैं ज उसके लिए लीगल प्रोसेस में जाती हूँ उसको भी पता है ना कि ये बिल्डिंग का एड्रेस क्या है और वो बिल्डिंग में अपार्टमेंट कितने वो नहीं करते हर जगह क्राइम होता है और जिसके बड़े स्टेक होते हैं फिर वो उनको क्राइम ज़्यादा करना होता है जैसे मेक्सिको में कोलंबिया में ड्रग कार्टेल्स थे उन्होंने ड्रग्स के थ्रू पैसे बनाए क्योंकि अमेरिका में बेचते थे उसी तरह जो भी मुंबई में अंडरवर्ल्ड था हमारा उनकी मेन इनकम रियल एस्टेट से आती थी आई एम अज्यूमिंग राइट मुंबई में अंडरवर्ल्ड मतलब जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड था हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम तक अपटुल अबू सालेम जो भी उन्होंने अपना मेन पैसा रियल एस्टेट में बनाया नहीं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स नहीं रियल एस्टेट में भी बना नहीं, सोने में बना है ना आप भूल गए सबसे बड़ी बात गोल्ड स्मगलिंग तो एक उतना ही उसका तो एक किताब सचमुच मैं ही लिख सकती हूँ गोल्ड स्मगलिंग बहुत बड़ी चीज़ है सुनिए जो हम एक्चुअली अच्छा सब्जेक्ट निकाला जमीन का मैं कह रही हूँ सबसे ज़्यादा क्राइम हुआ लेकिन सोने में भी बहुत हुआ क्योंकि अपने देश की औरतें को पता नहीं क्या हुआ है सोना बहुत चाहिए अपने देश का अपने देश की भूख बहुत है सोने की आ, सोने अगर आ, सोने की इम्पोर्ट ना करें हम तो बहुत अच्छा हो देश के लिए पर दुबई से सोना लगड़ी आती है आपको पता है बहुत बड़ा हुआ उसमें क्राइम बहुत हुआ क्योंकि ड्यूटी फ्री चाहिए स्मगल करना है ताकि तो सोना परवटता है आप आज देखो आप केरला में साउथ से नॉर्थ वाला रास्ता है वो जाओ कितने बोर्ड मिलेंगे तमिलनाडु में घूमो कितने बोर्ड मिलते हैं ज्वेलरी हर जगह अब मोमे में देखो मतलब सोने का ब्लैक मनी जो है ना पूरी इकोनॉमी उसने भी तो क्रिमिनल पैदा किए दाइम पैदा किए तो जैसे ड्रग्स ने किए पर सबसे ज्यादा रियल एस्टेट कि अगर उसका प्रेशर नहीं होता तो दाऊद जैसे लोगों की मदद नहीं जर पड़ती थी पर दाऊद तो फिर अलग हो गया एज आई सेड कि 88 तक एटी तक ये सब था फिर तो उसके दिमाग पे चढ़ गया इस्लाम एक बात और अन्याय हुआ है मुसलमानों को वो सब फिर वो पॉलिटिकल भी हो गया और उसको जस्ट जस्टिस इनजस्टिस की भावना भी होगी वो अलग हो गया फिर दाऊद इब्राहिम के साथ ये क्यों हुआ मतलब वो रेडिकलाइज़ radicalized... आदमी था पहले से अकल थी शाप आदमी था उसको बहुत ही आ, आ, वो मैंने कहा ना आपको कि वो एक मुद्दा लेके एक ही चीज पे एक घंटा आर्गुमेंट करेगा इतना आर्गुमेंटेटिव आदमी है था दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ